99% लोग नहीं जानते केजरीवाल की सच्चाई, उनको जेल में भेजते ही कैसे हो जाएगी भारतीय संविधान की जीत। केजरीवाल के पीछे न मोदी न शाह का हाथ, बल्कि एक गलती के कारण पूरी टीम को तिहाड़ पहुंचा, अब खुद की तैयारी। अगर केजरीवाल को होती है जेल तो क्या बीजेपी को नुकसान या खत्म हो जाएगी आप? राजनीतिक पंडितों ने भांप ली कहानी। क्या मैक्सवेल के 201 रनों की पारी की तरह केजरीवाल के जेल जाने की खबर सुनामी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगी? क्या सच में उनको जेल में डालने की तैयारी है? पूरी कहानी को समझने में कम से कम 4 मिनट का वक्त लगेगा। केजरीवाल के पीछे मोदी शाह का हाथ है या फिर भारतीय संविधान की भावना केजरीवाल की लीला को समाप्त कर सकती है? केरल की सरकार संत केशवानंद की उस जमीन पर सरकारी कब्जा चाहती थी जिसके लिए एक कानून लेकर आई थी, लेकिन कहानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बनी और आखिरकार 7-6 से केशवानंद के पक्ष में फैसला आया और सरकार हार गई। ठीक यही दिल्ली में हुआ, लेकिन केस एकदम अलग है। कहते हैं चालाक व्यक्ति 3 जगह डूबता है। केजरीवाल सरकार ने अपनी पूरी चालाकी दिखाई, लेकिन वो कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाए। आबकारी नीति लेकर आई केजरीवाल सरकार ने किसी मानक का ध्यान नहीं रखा। दिल्ली में एक के बदले 2-2 बोतल तक मुफ्त में बांटी गई। ठेके का टेंडर किसको दिया जाएगा, किसको नहीं, इसका कंट्रोल एक व्यक्ति के पास पहुंचा और ठेके किस मोहल्ले में खुलेंगे ये तक सिस्टम ने नहीं बल्कि सरकार में बैठे एक मंत्री के इशारे पर तय हुआ। न तो शराब नीति शाह के कहने पर बनी, न ही मोदी ने कुछ कहा था, तो फिर ये जानना जरूरी है कि ये हुआ क्यों। राजनीतिक जानकार कहते हैं इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी नई पार्टी अपना फंड बनाने के लिए कई पैंतरे चलती है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त उत्तर प्रदेश के शराब माफिया रहे डीपी यादव का सहारा लिया। डीपी यादव ने नकली शराब का कारोबार फैलाया और कहा जाता है भारी मात्रा में पैसा समाजवादी पार्टी में लगाया। बाद में मुलायम ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। यही वाली गलती केजरीवाल सरकार ने कर ली है। फंड के चक्कर में शराब नीति बदली, जिसमें ईडी सीबीआई को कई कमियां नजर आई और केजरीवाल फंस गए। जेल जाने की संभावना 90% से ज्यादा है, इस बात का आभास दिल्ली सरकार को भी हो चुका है, इसीलिए तैयारी भी पूरी की जा रही है। अगर बीजेपी के इशारे पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से क्यों इनकार कर दिया है? क्या सारा सिस्टम बिक गया है या केजरीवाल सरकार ही भ्रष्ट है? 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को भी जेल हो गए। यहाँ तक कि लंबा लंबा भाषण देने के बाद भी वो कोर्ट से अपनी जमानत नहीं ले पाए। यानी ईडी के पास ठोस सबूत है, सरकारी गवाह है, जिंदा फाइलें हैं और पेपर्स में पूरी कहानी है। वो कहानी जज को दिखाई जाती है और जमानत खारिज हो जाती है। सरकारी गवाह, संजय सिंह के बयान, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की दोस्ती के बीच खेला गया खेल, सब कुछ केजरीवाल के खिलाफ है। यानी केजरीवाल भाषण से जनता के इमोशन को अपनी तरफ तो खींच सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की ताकत से नहीं बच सकते। इसलिए आप नेता सौरभ भारद्वाज पहले से ही तिहाड़ से सरकार चलाने वाला बयान दे रहे हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है। केजरीवाल सिस्टम के खेल में नहीं बल्कि खुद के बनाए सिस्टम के भंवर में फंस गए। न शराब नीति आती, न सुप्रीम कोर्ट में देश के संविधान को चैलेंज किया जाता, न ईडी और सीबीआई को मौका मिलता और न ही केजरीवाल को तिहाड़ का डर सताता। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही उनकी छवि खराब हो जाएगी, ईमानदारी वाला टैग हट जाएगा। बीजेपी को राजनीतिक फायदा होने के बजाय कुछ नुकसान होगा, लेकिन भविष्य का संकट टल जाएगा। दिल्ली की सत्ता से ज्यादा बीजेपी को केजरीवाल को बदनाम करके फायदा मिलेगा, जो पहले तय है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कोई बड़ा नेता तभी जेल जाता है जब वो अपने विरोधी पार्टियों को कोई मौका देता है। बिना वजह या सबूत कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता, इसलिए केजरीवाल को जेल हो भी जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल सबूत उन्हें तिहाड़ तक खींच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।